हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि गीजर को कितने एमएम की तार लगाएं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि गीजर का जो बिजली बिल है वो कितना आता है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब गीजर हमने इंस्टॉल करना है तो उसमें कितने एमएम की तार लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो तारें आती है वो एमएम के हिसाब से आती है। जो एमएम है वो तार की मोटाई होती है कि वो कितनी मोटी है, तो उसके हिसाब से तारों को स्पेसिफाई किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि गीजर में कितने एमएम की तार लगाई जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो गीजर है वो मार्केट में 1 लीटर से लेकर 25 लीटर तक अवेलेबल है, जो कि हम घरों में यूज करते हैं। वैसे 50 लीटर का गीजर भी आता है, बट जो हम घरों में यूज करते हैं गीजर, वो 1 लीटर से लेकर 25 लीटर तक मार्केट में अवेलेबल है। और इसकी जो पावर रेटिंग है वो सेम 500 वाट से लेकर 5000 वाट तक मार्केट में अवेलेबल है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो गीजर को जो स्पेसिफाई किया है वो दो ढंग से किया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ लीटर कैपेसिटी और दूसरी उसकी पावर रेटिंग के हिसाब से गीजर को स्पेसिफाई किया है। तो मतलब गीजर को दो बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है, एक तो उसकी लीटर कैपेसिटी और दूसरी पावर रेटिंग पे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमें पता है कि जो हम घर में वायर्स यूज करते हैं वो हम कॉपर वायर्स का यूज करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉपर वायर्स हैं वो कितना लोड कैरी करती है, मतलब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो कितना लोड कैरी करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मार्केट में अवेलेबल कॉपर वायर्स हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो 1 mm स्क्वायर वायर अवेलेबल है, फिर इसके बाद आती है 1.5 mm स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास आती है 2.5 mm स्क्वायर, फिर 4 mm स्क्वायर और 6 mm स्क्वायर। दोस्तों, हम अपने घरों में मैक्सिमम 6 mm स्क्वायर तक की वायर का यूज करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हैवी लोड वाला कोई अप्लायंस होता नहीं है घर में, तो हमारा 6 mm स्क्वायर तक ही काम बन जाता है। वैसे इसके बाद 10 mm स्क्वायर की वायर भी आती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो ये अलग अलग कैपेसिटी की वायर्स हैं, ये कितने करंट कैरी करती है। तो दोस्तों, उसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है, आप इसे देख सकते हो, जिसमें मैंने कॉपर और एल्युमिनियम की वायर्स की करंट रेटिंग के बारे में बताया है कि कौन सी कैपेसिटी की वायर कितना करंट ले सकती है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको करना क्या है कि अगर कॉपर वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है, तो सिंपल आपको इसके जितनी एमएम रेटिंग है उसको आपको 6 से गुना करना है। जैसे यहां पर जो 1 mm स्क्वायर की वायर है उसको अगर आप 6 से गुना करोगे, तो इसका मतलब जो 1 mm स्क्वायर की वायर है वो 6 एम्पेयर तक करंट कैरी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही जो 1.5 mm स्क्वायर की वायर है उसे आप 6 से गुना करोगे तो ये आपके पास आ जाता है 9 एम्पेयर, मतलब आपकी जो 1.5 mm स्क्वायर की वायर है वो 9 एम्पेयर तक करंट कैरी कर सकती है। ऐसे ही अब आप 2.5 को गुना करोगे 6 से तो ये हमारे पास आ जाता है 15 एम्पेयर, मतलब 2.5 mm स्क्वायर की वायर 15 एम्पेयर तक करंट कैरी कर सकती है। फिर हम 4 को जब 6 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 24 एम्पेयर, इसका मतलब 4 mm स्क्वायर की वायर 24 एम्पेयर तक करंट कैरी कर सकती है। ऐसे ही फिर 6 को 6 से गुना करेंगे तो ये आता है 36 एम्पेयर। तो दोस्तों, अब हमारे पास हर एक साइज की वायर की करंट कैरी कैपेसिटी आ गई है कि 1 mm की 6 एम्पेयर लेगी, 1.5 की 9, 2.5 की 15, 4 की 24 और 6 की 36 एम्पेयर तक करंट कैरी करती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमें कौन से गीजर को कौन से एमएम की वायर का यूज करना है, तो वो कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो हमें इसे निकालने के लिए गीजर की सिर्फ पावर रेटिंग देखनी है, ना कि उसकी लीटर वाली कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मान लीजिए एक 25 लीटर का गीजर है, ठीक है, अब जो इसकी पावर रेटिंग है 25 लीटर के गीजर की, वो हमारे पास 2000 वाट भी हो सकती है और ऐसे ही वो हमारे पास 3000 वाट भी हो सकती है। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए 25 लीटर का गीजर है और 2000 वाट कैपेसिटी है, पावर रेटिंग है, तो इसका मतलब ये है कि वो 25 लीटर तक बिजली, सॉरी, वो 25 लीटर तक पानी को गर्म करेगा। अब ऐसे नहीं है कि अगर आपके पास 25 लीटर का गीजर है और 3000 वाटेज उसकी पावर है तो वो 25 लीटर से ज्यादा पानी गर्म कर देगा, ऐसा नहीं है, वो 25 लीटर तक ही पानी गर्म करेगा। बस फर्क सिर्फ इतना आएगा कि जो 3000 वाट वाला गीजर है वो पानी को जल्दी गर्म कर देगा एज कम्पेयर टू 2000 वाट वाले गीजर से। ठीक है, अब क्योंकि वो ज्यादा जल्दी गर्म करेगा तो वो वाटेज भी ज्यादा लेगा तो करंट भी ज्यादा लेगा, और ऐसे ही उसके लिए हमें वायर्स भी ज्यादा कैपेसिटी की, मतलब ज्यादा एमएम वाली यूज करनी होगी। बस ये डिफरेंस है, तो इसलिए हमें
जब भी गीजर के लिए निकालना हो कि कौन सी वायर का यूज करें, तो हमें उसकी पावर रेटिंग को देखना है, ना कि उसकी लीटर रेटिंग को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पावर के हिसाब से ही हम करंट की वैल्यू निकालेंगे और उसी हिसाब से हम इसके लिए वायर की कैपेसिटी निकालेंगे कि हमें कौन सी वायर का यूज करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक 10 लीटर का गीजर है जिसकी जो पावर है वो हमारे पास है 1000 वाट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि हमें देखना क्या है, हमें सिर्फ काम है पावर रेटिंग से। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम यही फॉर्मूला यूज होता आ रहा है कि अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको पावर है जो उसे हम P से शो करेंगे और वोल्टेज को हम V से शो करेंगे, ऐसे ही करंट को हम I से शो करेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पता है इस केस में जो कि हमने एक नंबर एग्जांपल लिया, यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास है 1000 वाट और हमारे पास जो वोल्टेज है, दोस्तों आपको पता होगा कि जो घरों में वोल्टेज है 210 से लेकर 230 वोल्ट तक नॉर्मली आती है, तो हम इस केस में 220 वोल्ट मान के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको सिंपल इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को इंसर्ट करना है और आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल आपके पास आ जाएगा, पी की जगह आपने 1000 रख दिया, ये वाला 1000 यहाँ रख दिया, और बी वोल्टेज है तो ये हमारे पास 220 आ गई, और जो आई है वो करंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल अब हम इसे अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता 1000 भाग 220, जीरो से जीरो कट जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल टू 4.54 एम्पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एक 1000 वाट का गीजर है और उसकी जो लीटर कैपेसिटी है वो 10 लीटर है, वो जो मैक्सिमम करंट है वो 4.54 एम्पेयर लेता है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारे पास 1 mm स्क्वायर वाली वायर है वो भी 6 एम्पेयर तक करंट लेती है और 1.5 mm स्क्वायर वाली वायर 9 एम्पेयर तक करंट लेती है। तो हम इस हीटर में 1 mm स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं, बट दोस्तों क्योंकि गीजर एक हैवी लोड अप्लायंस है जो कि हैवी करंट लेता है, तो हमें सेफ्टी फैक्टर को भी मान के चलना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक 1000 वाट के हीटर को 1.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज करेंगे। करने को हम इसमें 1 mm स्क्वायर की वायर का यूज भी कर सकते हैं, बट लॉन्ग लाइफ के लिए क्योंकि गीजर एक हैवी लोड अप्लायंस है, तो इसके लिए हम 1.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज करेंगे, क्योंकि इससे जो हमारी गीजर की और एज वेल एज जो वायर की लाइफ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मानना पड़ता है। अब दोस्तों हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे। पहले हमने 10 लीटर के गीजर से ली और जिसकी पावर रेटिंग है 1000 वाट। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक 25 लीटर का गीजर है और जो उसकी पावर है वो हमारे पास है 2000 वाट। ठीक है दोस्तों इसी गीजर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल लेकर बात की थी। अब हम इस गीजर के लिए निकालते हैं कि हमें कितने एमएम की वायर लगानी है। तो फिर से हमें पता है जो वोल्टेज है वो हमारे पास है 220 वोल्ट। अब हम फिर से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, P इक्वल टू V इनटू I। ठीक है जी, तो इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को हम डालते हैं तो P की जगह अब 2000 आ जाएगा, जबकि जो लास्ट केस था उसमें हमने P की जगह 1000 वाट लिया था, बट यहाँ पर जो P है वो 2000 वाट है। ठीक है, और B की जगह हमारे पास 220 आ जाएगा और हमें करंट तो फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 भाग 220 वोल्ट। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 9.09 एम्पेयर। अब दोस्तों अगर आप फिर से ध्यान से देखोगे कि जो हमारी 1.5 mm स्क्वायर की वायर है वो 9 एम्पेयर तक करंट ले सकती है, तो मतलब 2000 वाट के गीजर के लिए हम 1.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज भी कर सकते हैं। बट फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मानते हुए हमें 2000 वाट के गीजर के लिए 2.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये 15 एम्पीयर तक लोड ले सकती है और इससे हमारी जो गीजर और वायर की कैपेसिटी है लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो 2000 वाट का गीजर है उसके लिए हम 2.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज करेंगे। तो अब आपको यहां से क्लियर हो गया कि अगर आपके पास 25 लीटर का गीजर हो और उसकी वाटेज हो 2000 वाट, तो उसके लिए हम एक 2.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज करेंगे। अब दोस्तों हम ऐसे ही तीसरे नंबर पर बात करेंगे, एक और केस लेंगे। मान लीजिए 25 लीटर का ही फिर से गीजर है, बट अब हमारे पास जो पावर है P है वो हमारे पास है 3000 वाट। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे
तो इस केस में जो लीटर कैपेसिटी है वो सेम है प्रीवियस केस के अनुसार, बट जो हमारे पास वाटेज है वो अलग है। अब यहां से आपको क्लियर भी होगा कि आपको लीटर कैपेसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता बायर सिलेक्ट करने में, आपको सिर्फ पावर रेटिंग देखनी है। तो अगर आपकी पावर रेटिंग 2000 की जगह 3000 वाट है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास है वो कितने एमएम की तार का यूज करना है। तो यहां पर हमारे पास बी फिर से 220 वोल्ट है। अब हम फिर से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पी इक्वल टू वी इंटू आई। अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहां पर 2000 की जगह 3000 वाट यूज किया है, जबकि पिछले केस में 2000 वाट यूज किया था। अब यहां पर वोल्टेज 220 आ गई और करंट तो हमें फाइंड आउट ही करना है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000 भाग 200। अब दोस्तों अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 13.63 एम्पेयर, जो कि अप्रोक्स 14 एम्पेयर तक करंट हो जाता है। अब अगर आप फिर से इस लिस्ट में देखोगे तो आप बोल सकते हो कि जो 2.5 mm स्क्वायर की वायर है वो 15 एम्पेयर तक लोड लेती है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम इस वायर को बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मान के चलना होता है। तो लॉन्ग लाइफ के लिए हम 4 mm स्क्वायर की वायर का यूज करेंगे 3000 वाट के गीजर के लिए। अब इससे होगा क्या, एक तो कभी भी हमारी वायर है वो गर्म नहीं होगी, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और साथ ही साथ हमारे गीजर की लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम 3000 वाट के गीजर के लिए 4 mm वायर की 4 mm स्क्वायर की वायर का यूज करेंगे। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये भी हमारे पास 25 लीटर का गीजर है और ये भी 25 लीटर का गीजर है, बट इस केस में हमने 2.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज किया, जबकि इस केस में 4 mm स्क्वायर की वायर का यूज किया। इसका कारण ये है कि जो इस वाले केस में 25 लीटर का गीजर है, इसमें जो पावर रेटिंग है वो 2000 वाट है, जबकि इस केस में जो पावर रेटिंग है वो 3000 वाट है। तो अब हमें यहां से क्लियर हो रहा है कि हमें लीटर कैपेसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गीजर कितने कैपेसिटी का, कितनी लीटर उसकी कैपेसिटी है। हमें देखना क्या है, हमें सिर्फ गीजर की पावर रेटिंग देखना है और उस हिसाब से ही सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी वायर का यूज करना है। तो दोस्तों अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से कि हमें लीटर की कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं है गीजर की, हमें पावर रेटिंग से मतलब है। अगर हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमें गीजर को कितने एमएम की तार का यूज करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज़।